और अगली खबर गोंडा से है, जहां पर पहाड़ों पर बारिश और बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। जिले की दो तहसीलों में बाढ़ की स्थिति है और अभी तक तमाम गांवों का संपर्क मार्ग कटा हुआ है। सड़कें तालाब में और खेत खलियान नदियों में तब्दील हो गए हैं। फिलहाल घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 70 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। शारदा, गिरिजा और सरयू बैराज से लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते नदी के तलहटी इलाकों में पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और लोग पलायन को मजबूर हैं। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य के साथ नावें चलाने की बात कर रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। शाहजहांपुर में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी गुजरने के बाद अब तबाही देखने को मिलने लगी है। नेशनल हाईवे 24 की सड़कें जगह जगह पर कट गई हैं। दुकान और ढाबे पानी में बह गए हैं। इसके चलते उनको दोबारा से कारोबार शुरू करने में काफी वक्त लग जाएगा। हाईवे पर जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं, जिसे पूरी तरह से दुरुस्त होने में काफी समय लगेगा। हाईवे की सड़कें कटने से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी ने बरेली मोड़ पर किस तरह तबाही मचाई है। बात हरदोई की करते हैं। बाढ़ का कहर यहां पर भी जारी है। जिले की 4 तहसीलों के सैकड़ों गांव में बाढ़ से प्रभावित लोग परेशान हैं। शाहबाद, सवाईजपुर, बिलग्राम और हरदोई सदर के 133 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गर्रा नदी का पानी घटने लगा है, लेकिन पानी कम होने के साथ ही कटान शुरू हो गया है। कटान से रास्तों पर आवागमन बंद हो गया है। बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। मिर्कापुर और मानीमऊ की रोड पानी में बह गई। लोगों के खाने पीने की चीजें बाढ़ में खराब हो गई। जानवरों को भी चारा नहीं मिल पा रहा है। कौशाम्बी में अतीक अहमद की गुर्गे शाकिब पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। राजूपाल हत्याकांड की गवाह रुखसाना के भांजे नदीम से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। पीड़ित नदीम ने विरोध किया तो उसे बाइक से खींच कर मारने की कोशिश की गई। पीड़ित नदीम की शिकायत पर आरोपी शाकिब के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। राजूपाल हत्याकांड में पीड़ित नदीम की मौसी रुखसाना मुख्य गवाह थी। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के उजीहिरी खालसा गाँव का रहने वाला है पीड़ित नदीम। आरोप यह है कि अतीक के गुर्गे ने कहा, तेरी मौसी रुखसाना की गवाही पर आबिद प्रधान आदि को उम्र कैद हुई है। मुकदमे की पैरवी में आबिद प्रधान का 5 लाख खर्च हुआ है, भरपाई अब तुमको करनी पड़ेगी। 29 मार्च 2024 को सीबीआई कोर्ट ने 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। प्रयागराज के सरकारी स्कूल में टीचर्स की लापरवाही का एक मामला सामने आया। मेजा में प्राथमिक विद्यालय लोहरा में टीचर्स की लापरवाही के चलते एक 4 साल का बच्चा शिवांश पाल घंटों तक स्कूल में ही बंद रहा। छुट्टी के वक्त जल्दी जाने के चक्कर में टीचर्स ने बच्चे को नहीं देखा और स्कूल को बंद कर चले गए। बच्चा अपनी बहन शिवानी के साथ स्कूल गया था। स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। स्कूल बंद होने के बाद बच्चा रोने लगा। तब एक लड़के ने गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी और बाद में स्कूल का ताला तो खोलकर बच्चे को परिजनों को सौंपा गया। मामले में बीएसए ने प्रभारी हेडमास्टर और एक टीचर को सस्पेंड कर दिया है। जांच को लेकर आदेश दे दिए गए हैं। झांसी में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि छात्रा पेट दर्द की बीमारी से परेशान थी। मामला गुरसराय थाना क्षेत्र के रेंज चौराहे का है। छात्रा अपने अपने चाचा चाची के साथ गुरसराय में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। कोचिंग से आने के बाद उसने दुपट्टे से फांसी का फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। कारण कुछ नहीं था, वो तो पेट में दर्द होता था, वो कोचिंग से ही पढ़ते ही छोड़ गए। क्या कर लिया उसने? दुपट्टे से फांसी लगा ली। खत्म हो गई है? पुलिस आई थी मौके पे? आई। और अगली खबर अयोध्या से। रामलला के साथ अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था में अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की तैनाती होने जा रही है।
एनएसजी की एक टुकड़ी 17 जुलाई को अयोध्या पहुंच रही है। राम जन्मभूमि के साथ अयोध्या के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगी। रामलला के भव्य मंदिर बनने के बाद से ही अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा सख्त करने की तैयारी है। अयोध्या में 3,500 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा येलो जोन और नया घाट क्षेत्र में कंट्रोल रूम बनाया गया है। अभी एनएसजी की टीम मालूम हुआ है 17 तारीख को आने वाली है, वो आएगी और राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या की चारों तरफ की स्थिति का अवलोकन करेगी। उसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है उसकी समीक्षा करेगी। उसके बाद में फिर अपनी रिपोर्ट देगी, फिर क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी है वो तय करेगी कि आगे सुरक्षा व्यवस्था का कोई अगर सुधार की ज़रूरत है या एनएसजी की जरूरत है तो उसके बारे में केंद्र सरकार निर्णय लेगी। भगवान रामलला के नगरी की सुरक्षा और भी सख्त होने जा रही है। भगवान राम की नगरी में अब एनएसजी कमांडो की तैनाती की जाएगी और सूत्रों की माने तो 17 तारीख को एनएसजी कमांडो की एक यूनिट अयोध्या पहुंच रही है, जो रामलला के साथ साथ अयोध्या के आसपास की सुरक्षा का जायजा लेगी। उसके बाद समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि अयोध्या में रामलला के मंदिर बनने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है और ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं और भी चाक चौबंद कर दी गई हैं। फिलहाल अयोध्या की सुरक्षा में आरपीएफ, सीआरपीएफ और इसके साथ पीएससी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के नवगठित सुरक्षा दस्ता एसएसएफ की तैनाती है। अब रामनगरी की सुरक्षा एनएसजी के हाथ में होगी। ऐसे में संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक उत्साह भी है कि अयोध्या की सुरक्षा भी सख्त होगी और यहाँ सहूलियतें भी मिलेंगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी।